वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है एडोब इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल और आज हम डिजाइन करेंगे रोलअप बैनर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, पीसर डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले मैं नेम रखूंगा रोल अप बैनर। आप नेम कुछ भी दे सकते हो। यूनिट्स में मैं इंचेस कर दूंगा और साइज लूंगा विद में 33 और हाइट में 80। ओरिएंटेशन मैं रोटेट करूंगा, आर्क बोट 1 और क्रिएट करेंगे। तो एक आर्क बोट हमारा क्रिएट हो गया। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, इस आर्क बोट के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कोई कलर ले लेते हैं, मैं कोई कलर ले लेता हूं और एक पॉलीगन टूल सेलेक्ट करेंगे। साइड रखेंगे 3। मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, एक ट्रायंगल बहुत छोटा सा ड्रॉ हुआ है, देखिए इसको बड़ा कर देते हैं और इसकी हाइट भी बड़ी कर देंगे। कलर चेंज कर देंगे इसको, मैं ग्रीन कर देता हूं और इसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। जूम करेंगे और इस तरह से अब इसको इस पोजीशन में रखेंगे। यहां मैं चाहता हूं इसको यहां रखना, थोड़ा सा और रोटेट कर लेंगे इसको, मे बी कुछ इस तरह से। अब इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे और उसका कलर मैं चेंज कर देता हूं और साइज भी छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर रखें। अब जूम करेंगे और यहां से पकड़ेंगे और इसको यहां लाके छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। मेक श्योर व्यू में जाइए और स्मार्ट गाइड ऑन कर लीजिए। ये कंट्रोल यू से भी आप स्मार्ट गाइड को ऑन कर सकते हो। और अब मैं इसको रोटेट करूंगा, रोटेशन टूल लेंगे और इस सेंटर पॉइंट को मैं यहां लाके रोटेट करूंगा कुछ इस तरह से। इस ब्लू को इस ग्रीन के नीचे ले आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, सेंड बैकवर्ड कुछ इस तरह से। एक और इसका डुप्लीकेट करेंगे इस ब्लू का और इसका फिर से मैं कलर भी चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं इसको कुछ इस तरह से और इसको भी मैं उसी तरीके से रखूंगा। मैं इसको यहां रखता हूं कुछ इस तरह से। जैसे मैं रोटेशन टूल लूंगा, उस सेंटर पॉइंट को मैं नीचे रखूंगा इस जगह और इसको रोटेट कर लूंगा कुछ इस तरह से। अब इस येलो को मैं इस ब्लू के नीचे ले आऊंगा, तो राइट क्लिक किया मैंने और रेंज सेंड बैकवर्ड कुछ इस तरह से। अब मैं इसमें कलर फील दूंगा और कलर ले लेंगे यहां से कोई। मैं चलिए मैं कुछ इस तरह का एक कलर ले लेता हूं, आरबीजी की जगह मैं एचएसबी कर देता हूं, ठीक है। और सियान ले लिया मैंने, थोड़ा सा इसको ग्रीन भी मिक्स कर देंगे इसमें कुछ इस तरह से। अब यही कलर मैं यहां पे कर लूंगा, तो उसके लिए आई प्रेस करेंगे आई ड्रॉपर के लिए और सेलेक्ट किया मैंने कुछ इस तरह से और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ये भी थोड़ा सा डार्क इस तरह से। अब इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे,
और ये कलर यहां मैंने पिक कर लिया और इसको और डार्क कर देना कुछ इस तरह से। अब इन तीनों पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा और एक और इसकी डुप्लीकेट कॉपी करेंगे और उसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैं इसको इस पोजीशन में रखूंगा, यहाँ आप अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, मैं चाहता हूँ इसको यहाँ रखना। और इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा शिफ्ट प्रेस करते हुए, यस इतना ठीक है। ये हम बीच में एक इमेज रखेंगे, इस इतना जो स्पेस है तो मैं रखेंगे, सबको सेलेक्ट किया मैंने, पहले अनग्रुप कर देंगे सबको और अब शेप बिल्डर टूल लेंगे, जो आर्कबोर्ड से बाहर जा रहे हैं सभी पार्ट को हम डिलीट करेंगे कुछ इस तरह से। ओके ठीक है, अब इस पार्ट को मैं क्लिक करता हूं और इसको 90% या फिर 100, चलिए इसको 90% हम ग्रे कर देंगे। ठीक है, और इस पार्ट को रेडी रहने देते हैं, एक बार क्लिक कर देते हैं और इस पार्ट को भी मैं ग्रे कर देता हूँ, इसमें रेड, चलिए इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ आइकन, टेक्स्ट और एक इमेज रखूँगा, तो सबसे पहले इमेज को हम इंपोर्ट करेंगे, प्लेस में क्लिक किया मैंने और एक इमेज मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। उस इमेज को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सेलेक्ट रहने देंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, क्विक एक्शन के नीचे है एम्बेड, अगर कोई पुराना वर्जन आप यूज कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ आएगा, मैं इसको एम्बिट कर देता हूँ और इस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लूंगा, यहां रखेंगे इसको, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यस इतना ठीक है। ओके और राइट क्लिक करेंगे, अरेंज सेंड टू बैक। अब इस रेड पार्ट का मैं फील को खत्म कर देता हूँ, सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक रहने देंगे, देखिए इतना पार्ट हमें दिख रहा है उतना ही चाहिए, देखिए इतना। इस इमेज को और इस शेप को दोनों को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क कुछ इस तरह से। ओके अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, लोगो और आइकन रखेंगे जो कि मैंने पहले से डिजाइन कर रखा है, मैं इन सब की कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। इन पहले आइकन्स और कुछ टेक्स्ट को मैं यहाँ लेके आता हूँ कुछ इस तरह से और इनको मैं यहाँ रखूँगा। इन आइकन्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और अनग्रुप कर देता हूँ, कलर में हम कुछ इसी तरह के लेंगे, तो मैं इन ब्लैक को पहले सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ और या तो डार्क ले लेते हैं, चलिए कुछ इस तरह से, और इनको मैं ग्रुप कर दूंगा जूम करके, जूम कर लेते हैं पहले और कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसको मैं पहले अलाइन करूंगा कुछ इस तरह से। ओके अब इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, पहले इनको भी मैं ग्रुप कर दूंगा कंट्रोल जी से ग्रुप और इनको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है अब इन सारे आइकन्स को मैं ग्रुप कर देता हूँ इन टेक्स्ट के साथ
ताकि ये मूव ना हो। चलिए इनको भी ग्रुप कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब इसको अलाइन करेंगे सबको। मैं यहाँ अलाइन करूंगा इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कुछ इस तरह से। अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ, और मैं कुछ इस तरह का कलर ले लेता हूँ आई प्रेस करके इस तरह का। हेडलाइन ले लेते हैं, हेडलाइन को मैं यहाँ रखूँगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे इसको कुछ इस तरह से, और इसको कर देंगे ब्लैक, ब्लैक कर देते हैं। इन टैक्स को पहले मैं अनग्रुप करके ब्लैक कर देता हूँ, ये ग्रे में है अभी कुछ इस तरह से। अब मैं इन टैक्स को भी ब्लैक कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मैंने सभी टैक्स को ब्लैक कर दिया है, इन सबको सेलेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूँ इसको यहाँ रखना, तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करते हुए कुछ इस तरह से, और शिफ्ट प्रेस करते हुए मैं इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करूंगा, अलाइन करेंगे इसको भी हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं यहाँ पे लोगो और कंपनी का नेम आप देख सकते हो, मैं अपने ही चैनल का नेम दूंगा, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसकी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इसको बाहर लेके आएंगे और अनग्रुप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करते हुए। ये जो लोगो है यहाँ पे भी मैं कुछ इसी तरह का कलर दूंगा आई प्रेस करते हुए आई ड्रॉप पर, और यहाँ कलर पिक कर लिया। ये जो बीच में जो कलर है दोनों के बीच में, ये वाला कलर मैं यहाँ इन दोनों साइड में दूंगा, तो कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पिक कर लेता हूँ। सेम ऐसे ही करूँगा इसमें भी, और इसमें मैं ये डार्क वाला कलर दूंगा कुछ इस तरह से, और इस नेम में भी मैं ये डार्क ग्रीन कर देता हूँ। पहले सेलेक्ट करते हैं आई प्रेस करते हैं आई ड्रॉप अप, और इन सबको सेलेक्ट करते हुए पहले मैं सिर्फ लोगो को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल जी से ग्रुप करके, इसको पहले एडजस्ट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। अपने नेम को मैं यहाँ एडजस्ट करूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा कुछ इस तरह से, लाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर कुछ इस तरह से, पूरा सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट किया हमने रोल अप बैनर। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले एडोबी इलस्ट्रेटर में हम कुछ और नया डिजाइन करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।